बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। मोहतरमा प्रिंसिपल साहब और मौजे टीचर और मेरे हमतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे जिस मौजू पर लफ्जशाही का मौका मिला है वो है किरदार-ए- पाकिस्तान। प्यारे साथियों, आज़ादी की जद्दोजहद का वो मंजर जब पाकिस्तान की सरजमी को कई लाख मुसलमानों के लहजे पार करके हासिल किया जाता है, ये वो पाकिस्तान है जिसकी सरजमी को मैंने और आपने खून के कतरों से लिखा है। न जाने कितने शहीदों ने अपना खून निछावर करके इस वतन को हासिल किया है कि मेरी माँ ने आंखों के उजाले दे दिए जिसको, कि मेरी माँ ने आंखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी बहनों ने अफशां के सितारे दे दिए जिसको, जिसे बख्शा है जख्मों ने लबासे मुश्क अपना, जिसे बख्शा है जख्मों ने लबासे मुश्क अपना, शहीदों ने निछावर कर दिया जिस पे लहू अपना। रफीके जहां में जिस तरह ईमान जिंदा है, रफीके जहां में जिस तरह ईमान जिंदा है, वो पाकिस्तान जिंदा था, वो पाकिस्तान जिंदा है। जनाबे सदर, इसी तरह 1965 की बात की जाए तो 1965 की जंग में इस वतन के जाली ने अजम किया कि हम दुश्मन को खाक में मिला देंगे। कभी एम आलम के जवान की सूरत में उन पर गफ्तार हुआ, तो कभी राशिद मिन्हाज की सूरत में, कभी कैप्टन कर्नल शेर खान की सूरत में, तो कभी मेजर अजीज भट्टी की सूरत में, जिन्होंने वादा किया कि हम दुश्मन को मजा चिखा कर ही रहेंगे, क्योंकि शहीद की जो मौत है वही कौम की हियत है। जनाबे सदर, ये मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ इस वतन के जाबाजों पर जो अमन सलामती के लिए खुद को पेश करते हैं, कभी एतजाज हसन की सूरत में, तो कभी 147 शहीदों की सूरत में, जिनकी पुकार पर मुल्क भर में लबैक का नारा उठा है, मगर उनकी क्लास के मासूम मासूम बच्चे जो कहते हैं हमें खुद भी पढ़ना है और इस वतन के दुश्मन के बच्चों